सियासी किस्से तो आपने तमाम सुने होंगे, लेकिन किसी सियासी नेता की कहानी इतनी भी दिलचस्प हो सकती है शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी कहानी जो एक जननायक की है, लेकिन उस कहानी में सियासत भी है, फिल्म भी है, हीरोइन भी है और तमाशा भी है। आज आपको उस कहानी से अलग एक दूसरी कहानी सुनाएंगे जो उस नेता की है, लेकिन उस कहानी में काला चश्मा है, पीली शॉल है और प्रेमिका का रूठना भी है। करुणानिधि एक सियासी स्क्रिप्ट राइटर जिसने तमिलनाडु की राजनीति ही बदल दी। उनकी सियासी जिंदगी के बारे में तो आप काफी कुछ जानते होंगे। करुणानिधि नाम आते ही जहन में एक शख्स की तस्वीर सामने आती है जो गले में पीली शॉल और चेहरे पर काला चश्मा लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं काले चश्मे और पीली शॉल की कहानी आखिर क्यों? करुणानिधि हमेशा काला चश्मा और पीली शॉल पहनते थे, क्यों हम उन्हें इससे जुदा अंदाज में कभी नहीं देख पाए? आखिर कैसे यह उनकी पहचान का हिस्सा बन गया, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वही राज जो इस काले चश्मे और पीली शॉल के पीछे छिपा है। हम आपको वो किस्सा भी सुनाएंगे जब करुणानिधि की प्रेमिका उनसे रूठ गई और दोनों की शादी टूट गई। लेकिन बात पहले काले चश्मे और पीली शॉल की। दरअसल करुणानिधि हमेशा से पीली शॉल नहीं पहनते थे। 1994 से पहले तक वो सफेद शॉल ओढ़ा करते थे, लेकिन इस साल करुणानिधि को गले की समस्या की वजह से उनके गालों पर सूजन आ गई। डॉक्टरों ने उन्हें इस हिस्से को गर्म रखने के लिए शॉल ओढ़ने की सलाह दी। तब से करुणानिधि पीली शॉल लेने लगे। कहते हैं कि उनके कई दोस्तों, शुभचिंतकों और परिवार के लोगों ने कहा कि ये पीली शॉल उन्हें एक अलग पहचान देती है, जिसके बाद से उन्होंने इस पीली शॉल को अपनी पहचान बना लिया है। हालांकि पीली शॉल को लोगों ने अंधविश्वास से भी जोड़ा। कुछ ऐसा ही मामला है काले चश्मे पहनने का। पीली शॉल की तरह काला चश्मा भी करुणानिधि की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। याद कीजिए, हमने जब भी उन्हें टीवी पर देखा होगा उनकी आंखें हमेशा काले चश्मे से ढकी नजर आई। दरअसल 1953 में करुणानिधि एक कार एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे। इस हादसे में उनकी बाईं आंख खराब हो गई। इसके बाद उनकी 12 सर्जरी हुई। सितंबर 1967 में उनका एक और कार एक्सीडेंट हो गया। इसमें दोबारा उनकी आंख पर असर पड़ा। वो आंख में लगातार हो रहे दर्द से परेशान थे। 1971 में उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां उनकी बाईं आंख का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद से करुणानिधि काला चश्मा लगाने लगे। ये काला चश्मा उनकी आंखों को पूरी तरह से ढक देता था। साल 2000 के बाद से वो ऐसा पारदर्शी चश्मा लगाने लगे जिसमें उनकी आंखें नजर आती थी। पीली शॉल और काले चश्मे के अलावा भी उनके ऐसे तमाम किस्से हैं जो बेहद ही दिलचस्प हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा है करुणानिधि की प्रेमिका से जुड़ा हुआ। जब उनकी प्रेमिका करुणानिधि से रूठ गई और दोनों की होने वाली शादी टूट गई। दरअसल 1944 में जब करुणानिधि 20 साल के थे तो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रेमिका के घरवाले परंपरागत तरीके से शादी करना चाहते थे, लेकिन करुणानिधि इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि यह सब पाखंड है और वो इसके लिए राजी नहीं हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि करुणानिधि की प्रेमिका रूठ गई और दोनों की शादी टूट गई। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।